हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी ट्रेजर। आज हम बनाएंगे कच्चे आम के चटपटे गटागट, यानी कि कैरी की पाचक गोलियां। ये गटागट वैसे तो बड़ों, बच्चों सभी को बहुत पसंद होते हैं, लेकिन बच्चों को ये खास तौर पर कुछ ज्यादा ही पसंद आते हैं। और इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। आप इन्हें बनाकर साल भर तक के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, और जब आम का सीजन ना हो तब भी आप इनका मजा ले सकते हैं। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। और मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैरी के चटपटे खट्टे मीठे गटागट बनाने के लिए मैंने दो कैरी ली हैं। ये करीब 350 ग्राम कैरी है। सबसे पहले इन्हें हम छील लेंगे और इनका छिलका अलग कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरी कैरी को भी छील लेंगे। अब हम कैरी में से गुदा अलग कर लेंगे और इसकी गुठली को अलग कर देंगे। देखिए, मैंने इसकी गुठली अलग कर दी है। इसी तरह से हम दूसरी कैरी का भी गुदा अलग कर लेंगे। हमने दोनों कैरी के पल्प को अलग कर लिया है और इसके बाद मैंने इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब हम इसे एक मिक्सर जार में डाल लेंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कैरी में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसमें मैं 1 टेबलस्पून पाउडर शुगर डाल रही हूँ। अब हम इसे पीस लेंगे। चीनी डालने से कैरी पानी छोड़ देगी और आसानी से इसका पेस्ट बन जाएगा। हमने कैरी को पीसकर इसका एक पेस्ट बना लिया है और आप देख सकते हैं चीनी डालने से पेस्ट एकदम अच्छा स्मूथ बनकर तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसे बिना चीनी के भी पीस सकते हैं, लेकिन चीनी के साथ कैरी को पीसना आसान हो जाता है और ये बड़े ही आराम से पिस जाती है। एक पैन में मैंने आधा छोटा चम्मच घी को गर्म कर लिया है। घी हमें इतनी ही क्वांटिटी में लेना है जिसमें कि हम हींग डालकर भून सकें। इसमें हम आधा छोटा चम्मच हींग डाल देंगे। हींग का फ्लेवर इन गटागट में बहुत ही अच्छा आता है, इसीलिए हम हींग थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं। इसे हम हल्का सा फ्राई करेंगे। हींग में से खुशबू आने लग गई है। इसमें हम कैरी का जो हमने पल्प पीसा था वो भी डाल देंगे। गैस की फ्लेम हमने कम कर दी है और हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। हमने कैरी के पल्प को 3 से 4 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लिया है। गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम ही रखना है, तेज बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो पेस्ट जल जाएगा। अब हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। मैंने 300 ग्राम कैरी का पल्प लिया था और 300 ग्राम ही मैं गुड़ ले रही हूँ। ये गर्मी की वजह से मेरा गुड़ थोड़ा मेल्ट हो गया है, लेकिन अगर आप साबुत गुड़ ले रहे हैं तो उसे थोड़ा कूट कर इसमें डालें। इससे गुड़ आसानी से कैरी में मिक्स हो जाएगा। गुड़ को भी हम लगातार चलाते हुए कैरी में मिक्स कर लेंगे। गुड़ मेल्ट हो चुका है और अब हम इसे लगातार चलाते हुए 5-6 मिनट के लिए पका लेंगे। हमने इसे 5-6 मिनट के लिए पका लिया है और आप देख सकते हैं कि ये काफी गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। इसमें हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच काला नमक, 1 छोटा चम्मच नमक, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, 2 छोटे चम्मच अमचूर पाउडर, 2 छोटे चम्मच भुना जीरा पाउडर, और इन सबको हम इसमें मिक्स कर लेंगे और इसे हम 2-3 मिनट के लिए अभी ओवर कुक कर लेंगे, जिससे कि हमारा जो पल्प है वो कढ़ाई छोड़ने लगे। हमने इसे 4-5 मिनट के लिए और पका लिया है और आप देख सकते हैं कि हमारे मिक्सचर ने कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दिया है। गैस की फ्लेम हम अब बंद कर देंगे। हमें इससे ज्यादा नहीं पकाना है और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। लगभग 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं और हमारा जो मिक्सचर है वो भी ठंडा हो चुका है और अब ये काफी सेट हो चुका है और इसकी हम गोलियां बना सकते हैं। ये देखिए, इसकी गोलियां अब आसानी से बन जाएंगी। अब हम एक बॉल लेंगे और इसके चारों तरफ इस तरह से शुगर को डस्ट कर लेंगे और जो गटागट का मिक्सचर है उसे हम इस बॉल में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, ये काफी स्टिकी होता है। अगर हम इसकी डायरेक्ट बॉल्स बनाते हैं तो हाथों पे चिपकने लगती हैं, इसीलिए हम इसको पहले पाउडर शुगर में रखेंगे, उसके बाद ही हम इसकी गोलियां बनाएंगे। थोड़ी चीनी हम इसके ऊपर भी डस्ट कर लेंगे। इस तरह से जब हम इसकी बॉल्स बनाते हैं तो बहुत ही आसानी से बन जाती है और हाथों पे बिल्कुल भी चिपकती नहीं है। अब हम इसमें से मिक्सचर का थोड़ा सा पार्ट लेंगे और इस तरह से हाथों से गोल गोल कर लेंगे। इस तरह से हम इसकी ये बॉल बना लेंगे और एक बॉल में मैंने ये पाउडर शुगर लिए,
इसे इस तरह से शुगर में रोल कर लेंगे। और ये देखिए, ये हमारा गटागट बनकर तैयार है। इसे हम एक बॉल में रख लेते हैं और इसी तरह से हम बाकी सारे गटागट भी बनाकर तैयार कर लेंगे। हम एक बॉल बनाएंगे, इसे पाउडर शुगर में इस तरह से रोल करेंगे और इसे एक बॉल में रख लेंगे। हमारी पाचक गोलियां बनकर तैयार हैं। इसे मॉइस्चर से बचाने के लिए हम इसमें थोड़ा पाउडर शुगर और डाल देंगे और इस तरह हम इसे जार में भरकर फ्रिज में रख सकते हैं और एक साल तक के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। हमारे कैरी के चटपटे गटागट यानी कैरी की पाचक गोलियां बनकर तैयार हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं, साथ ही ये डाइजेशन में भी हेल्प करती हैं। आप इन्हें जरूर बनाइए, आपको ये बहुत पसंद आएंगी। और अपने व्यूज मेरे साथ शेयर कीजिए।